हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद यास्मीन खान। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अपने घर में सेफ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। आज का वीडियो हम दो सोप्स को कंपेयर करेंगे जो कि दोनों ही बेबी सोप हैं और दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो टियरलेस है, जो कि जैसे कि बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी स्टैंड पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट है हिमालय जेंटल बेबी सोप है, बैन एनिमल फैट्स और सिंथेटिक कलर्स। सो मेरे पास फर्स्ट हिमालय का सोप है जो कि हिमालय आप जानते हैं एक इंडियन ब्रांड है और काफी सर्टिफाइड ब्रांड है, मतलब बहुत हर्बल टाइप के प्रोडक्ट हिमालय बनाता है जो कि काफी सेफ होते हैं। मैंने अपने लिए भी हिमालय के काफी सारे प्रोडक्ट यूज ऑलरेडी करे हुए हैं। और सेकंड जो मेरे पास है वो है जॉनसन बेबी सोप ब्लॉसम विद डेलिकेट फ्लोरल फ्रेग्रेंस। सो मेरे पास जॉनसन का पिंक वाला वेरियंट है, मैं इसका व्हाइट वाला भी पहले यूज कर चुकी थी हयातु पे और वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, वो भी ठीक ठाक था, बट अभी मैंने ये पिंक वाला ट्राई किया है। और सबसे पहले हम इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करते हैं। सो आउटर पैकेजिंग जो है वो इसकी कुछ इस तरीके की है। सो आउटर पैकेजिंग आपको कार्डबोर्ड की मिलती है कार्डबोर्ड के साथ। तो ऑनलाइन ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो दोनों प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी आपको अपनी लोकल शॉप पे मिल जाए, इजिली मिल जाएंगे। सो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो आउटर बॉक्स इसका कुछ इस तरीके का है। सो आउटर बॉक्स पे पूरी डिटेल है, कितने का प्राइस है इसका, एमआरपी कितने का है, किस तरीके से यूज करना है और क्या क्या इसपे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब कुछ इसमें मेंशन है। सो जो हिमालय का है उसमें जो है ये नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है एंड ऑयल्स ऑफ ऑलिव एंड आलमंड ऑयल से ये बना हुआ है। दो इंग्रेडिएंट इसमें मेन है, क्लिनिकली टेस्टेड है एंड प्योर जेंटल सेफ है। और जो इसकी बात करें तो हम तो ये है जॉनसन का विद न्यू इजी ग्रिप एंड इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इंग्रेडिएंट इसमें नहीं मेंशन किए हुए हैं लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन है, बट इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। ओके, क्लिनिकली माइल्डनेस प्रोवीन है। और अगर हम इसके क्वांटिटी की बात करें तो दोनों ही 75, तो ये भी 75 ग्राम है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये भी 75 ग्राम में आपको मिलता है एंड ये वाला जो है ये भी आपको 75 ग्राम का मिलता है। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो प्राइस इसका आपको मिलेगा ये 44 रुपीज का है 75 ग्राम हिमालय का, क्योंकि हिमालय के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नॉर्मली वैसे ना बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही इजीली आप इसे परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल भी बजट के बाहर नहीं जाते हैं हिमालय के प्रोडक्ट। जॉनसन्स का जो प्राइस है 75 ग्राम इसकी भी क्वांटिटी है एंड इसका जो प्राइस है इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, इसे मैंने ग्रोफर से ऑर्डर किया था और इसका जो प्राइस है वो है 55 रुपीज। तो दोनों ही रेट वाइज दोनों ही ठीक ठाक है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है इससे, बाकी नॉर्मल सा रेट है, आप इजीली खरीद सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप खरीदना चाहते हैं। सो अंदर से कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है ये। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अगर मैं इसके सोप की बात करूँ तो ये मैंने जब यूज़ किया था तो ये कुछ मतलब कुछ सोप जो होते हैं वैसे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी से डिजॉल्व होने लगते हैं। तो लेकिन हिमालय का जो मैंने यूज़ किया ना सोप, तो वो मैंने देखा कि वो बहुत जल्दी जल्दी डिजोल्व नहीं होता है, जल्दी से वो घुलता नहीं है पानी में डालने से, वो इजीली ना आप इसे काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये वाला सोप भी अच्छा है, फ्रेग्रेंस वाइज तो दोनों ही अच्छे हैं, बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा इसकी मतलब ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि बच्चा इरिटेट हो जाए, तो बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है। और ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है, बहुत जल्दी ना घुलने लगता है पानी में डालते, मतलब अगर इस पर हल्का सा भी पानी डल जाता है ना तो मतलब हाथ में ना पूरा मतलब इस तरीके से रहता है कि हाथ में ना पूरा मैश हो जाता है ये हाथ में रहने से। तो बहुत जल्दी जल्दी ना ये वाला सोप जो है मुझे लगा कि घुल रहा है बहुत जल्दी, बट ये वाले में ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। रेट वाइज क्वांटिटी वाइज सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। सो टियरलेस होते हैं दोनों ही सोप, टियरलेस हैं, अगर बच्चों की आंख वाँख में भी चला जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, इससे कोई भी लॉस नहीं होता है बच्चों को, तो आप इस चीज से तो बेफिक्र हो सकते हैं बिल्कुल। एंड गाइस दूसरी चीज ये कि
अगर आप इसे खुद अपने लिए भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव होती है, इसलिए बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो बहुत ही माइल्ड से बनाए जाते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिससे आप किसी भी तरीके का स्किन में लॉस नहीं होता है। सो जिसकी जैसे हम लोगों की अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप बेबी सोप वगैरह ट्राई कर सकते हैं, आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। सो आप इसे अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने बेबी के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ज्यादातर कभी कभी मैं अपने बेबी का ये वाला सोप अपने फेस पे ट्राई कर लेती हूँ। मैं बच्चों के साथ साथ आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, आपकी फेस से बहुत ज्यादा एक्ने है या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी से कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आप इस तरीके के बेबी सोप ट्राई कर सकते हैं, ये आपको भी सूट करेंगे। आई थिंक कि मैंने अच्छे से इसको कंपेयर कर दिया है, जो भी चीजें मेन थी बताने की वो मैंने इसमें बता दी है और कुछ ऐसा खास इसमें बताने के लिए नहीं है। सो आई थिंक आप इसे खरीदने से पहले देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा सही है। सो गर्मी बहुत हो रही है और मैं वीडियो को बस यहाँ एंड करती हूँ। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।